जनरल इंश्योरेंस एम्प्लॉयज ऑल इंडिया एसोसिएशन की दो दिवसीय सचिव स्तरीय बैठक फोर्ट एरिया स्थित संगठन के कार्यालय में शुरू हुई। इस बैठक में सामान्य बीमा इंडस्ट्री से संबंधित मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। इस बैठक के लिए पूरे भारत से सचिव मंडल सेक्रेटरिएट के सदस्य इस मीटिंग में शामिल होने आए हैं। इस संगठन के अध्यक्ष पूर्व संसद सदस्य साथी गुरदास दास गुप्ता खराब स्वास्थ्य के कारण नहीं आ पाए। चेयरमैन साथी ललित सुवर्णा, कार्यकारी अध्यक्ष प्रदीप धर्मटोक, सचिव के गोविंदन ने अपने विचार व्यक्त किए तथा भविष्य के कार्यक्रमों की जानकारी दी। ललित सुवर्णा, चेयरमैन जनरल इंश्योरेंस एम्प्लॉयज ऑल इंडिया एसोसिएशन के बात कर रहे हैं। हमारे आज सेक्रेटरिएट मीटिंग बम्बई में हो रहे हैं रिगार्डिंग जो कंपनी की मर्जिंग और डिसइन्वेस्टमेंट जो मुद्दा गवर्नमेंट ने निकाला है। आज होने वाला जो बजट सेशन में डिक्लेयर किए थे कि तीन कंपनी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस और नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, इन तीनों को मर्ज करके मार्केट में डिसइन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग डिक्लेयर किए हैं अरुण जेटली साहब ने बजट सेशन में। हमारे मांग था पहले से कि ये चारों कंपनी यानी यूनाइटेड इंडिया, न्यू इंडिया, नेशनल, ओरिएंटल, इन चारों को मर्ज करके वन कॉरपोरेशन बनाने की हमारी डिमांड, जेआईयू जनरल इंश्योरेंस एम्प्लॉयज ऑल इंडिया एसोसिएशन की डिमांड है। और वो डिमांड हमने आज तक रखे हैं क्योंकि कंपनी पब्लिक सेक्टर में रखना हमारा काम है और हम डिसइन्वेस्टमेंट के खिलाफ काम करते हैं क्योंकि ये डिसइन्वेस्टमेंट की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो कंपनी है अच्छी तरह से काम करके अपने जो इन गवर्नमेंट के डेवलपमेंट प्रोग्राम में जो डिविडेंड हम दे रहे हैं वो मुनाफा हमारे पास रख के हम इंडस्ट्री को बचाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पब्लिक सेक्टर में अगर इंश्योरेंस कंपनी रहेंगे तो डेफिनेटली जो आने वाला दिन में कस्टमर सर्विस या आम जन आदमी को लिए इंश्योरेंस की फैसिलिटीज अवेलेबल कर सकते हैं। और लेकिन गवर्नमेंट की जो रवैया है कि डिसइन्वेस्टमेंट करना, ये हमारे खिलाफ, हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं। और ये जो आज हमारे सेक्रेटरिएट बम्बई में बैठे हैं वो सेक्रेटरिएट में तय होगा कि आगे हमारे प्रोग्राम क्या है और ये गवर्नमेंट की के खिलाफ जो डिसीजन लिए हैं उसके खिलाफ हमारी मूवमेंट क्या होगा वो ये सेक्रेटरिएट में हम डिसाइड करके आने वाला दिन में हमारी एजुकेशनल प्रोग्राम भी होगा। और उसके साथ साथ हम यही कोशिश करते हैं, गवर्नमेंट को कन्विंस करते हैं कि हमारी कंपटीशन पब्लिक सेक्टर वर्सेस प्राइवेट कंपनी होना चाहिए कि पब्लिक सेक्टर वर्सेस पब्लिक सेक्टर नहीं होना चाहिए। इसके लिए जो हमारी डिमांड, चार कंपनी को एक करके वन कॉरपोरेशन बना के उसको रखिए और प्राइवेट के साथ हम कंपटीशन करने के लिए हम तैयार हैं, ये मुद्दा लेके आज हमारी सेक्रेटरिएट ऑल इंडिया की सेक्रेटरिएट जनरल इंश्योरेंस एम्प्लॉयज ऑल इंडिया एसोसिएशन के सेक्रेटरिएट बैठे हैं और अभी डिस्कशन चालू है, आज भी है, कल भी होगा। और फाइनलिटी में हम ये कोशिश करेंगे कि क्या हमें करना है और क्या डिसीजन ट्रेड एज ए ट्रेड यूनियन लेना है और वो डिसीजन लेके हम गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं। गोविंदन, जनरल सेक्रेटरी जनरल इंश्योरेंस एम्प्लॉयज ऑल इंडिया एसोसिएशन। टुडे आवर ऑल इंडिया सेक्रेटरिएट इज मीटिंग एट मुंबई फॉर टुडे एंड टुमारो। टू डेज वी आर हैविंग अवर सेशन टू डिस्कस एंड डिसाइड अवर स्ट्रैटेजी against the recent announcement in the budget session by the finance minister that the three general insurance public sector companies will be merged into one single entity. The purpose for which they are merging is to list the shares of the company in the stock exchange. The view of the central government is by disinvesting they want to earn more money. That is the idea of the central government, whereas JIA since nationalization 1971 we are demanding merger of all the four public sector general insurance companies, New India Assurance, National Insurance, Oriental and United India Insurance, into one single corporation like LIC. The reason being, we could able to give better customer service and at cheap rate, the whatever the cost we are getting reduced by way of merging all these companies, the cost of that management will come reduced. We will give pass on that benefit to the customer. That is the reason why we are asking for one corporation. Whereas now the government is going for merging only three companies, National, Oriental and United India, mainly for the purpose of disinvestment in the industry, which we oppose to that. And against this we are campaigning, and we have recently met all the MPs of different political parties and also the government
ministers, everybody, we have met them, we have handed over the memorandum why this company has to be merged into one single entity. If it is merged, it will be a we will be giving that infrastructure will be very good, because today the central government has announced we are going to cover 10 crore of population, the family. We are going to give the medical coverage 5 lakhs each for poor people. So to execute it, definitely it needs the big organization. If they are making these four companies into one corporation, definitely we can give very good service, because definitely this medical always it is a loss making business. In spite of that, being a publicity or insurance company, to give the social benefits to the public, we are ready to undertake, our company will undertake. So if it is so, if it is made as one corporation, definitely we can give very good effective service. So in that aspect also, we demand this all the four companies should be merged into one single corporation. Otherwise we are going, and also disinvestment should not be done in this direction. We are going to further discuss in our secretariat to chalk out our further course of action. My Pradeep Dharamtok, मैं जनरल इंश्योरेंस एम्प्लॉयज ऑल इंडिया एसोसिएशन का वर्किंग प्रेसिडेंट हूं। आज हम लोग यहां पर हमारी सेक्रेटरीट कर रहे हैं आज और कल। ये सेक्रेटरीट में पार्टिसिपेट करने के लिए हमारे जो सेक्रेटरीट मेंबर है वो पूरे भारत से यहां पर आए हुए हैं। हम लोग इंडस्ट्री के बारे में कई मुद्दों पर बात कर रहे हैं, यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, और मुख्यतः हम सरकार की आर्थिक नीतियों के बारे में ज़्यादा चर्चा कर रहे हैं। उसके ऊपर पे जो परिणाम हो रहा है समाज के ऊपर में, हमारे इंडस्ट्री के ऊपर में, उसके बारे में चर्चा हो रही है। हमारे इंश्योरेंस सेक्टर की तीन कंपनियों को एक कंपनी में लेने के लिए और एक कंपनी को अलग रखने का जो प्लानिंग गवर्नमेंट का है, उसका हम लोग अपोज कर रहे हैं। हम लोग का डिमांड है कि चारों कंपनी एक होना चाहिए, और अभी सरकार ने जो पार्लियामेंट में डिक्लेरेशन दिया है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना होगा या प्रधानमंत्री जन सुरक्षा होगा या फिर फसल बीमा होगा, इन सब बीमा पॉलिसी को सही ढंग से इम्प्लीमेंट करने के लिए इस देश में एक बहुत अच्छा इंश्योरेंस का कंपनी होना चाहिए, और वो भी पब्लिक सेक्टर में होना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। हम लोग कहते हैं कि चारों कंपनी को मर्ज करके एक कंपनी बनाएंगे तो ये जो सरकार की योजनाएं हैं इसको हम लोग अच्छी तरह से लागू कर पाएंगे, और हम लोग को इसको लागू करने के लिए कोई तकलीफ नहीं होगी। हमारे पास अच्छा स्टाफ है, टेक्निकली साउंड लोग है, एक अच्छा इंडस्ट्री है, तो इसको हम बहुत अच्छे से लागू कर पाएंगे, इस देश की सामान्य जनता को बहुत अच्छी सेवाएँ दे पाएंगे। और इसलिए हम लोग सरकार से बार बार इस बात के लिए अनुरोध कर रहे हैं कि वो हमारी मांगों को माने। कैमरामैन रोशन गायकवाड़ के साथ संध्या श्रीवास्तव, मुंबई।